दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया कि टोनी स्टार्क हमेशा अपने फादर यानी हॉवर्ड स्टार्क से नफरत करते थे, क्योंकि टोनी के हिसाब से उनके फादर एक गैर जिम्मेदार आदमी थे। वो अपने बच्चे के लिए समय नहीं निकाल पाते थे, हमेशा काम में बिजी रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वो अपने फादर को और भी करीब से जानने लगे, उनके इन्वेंशन, नॉलेज, फ्यूचर प्लान और प्रोजेक्ट, जिसे जानने के बाद टोनी को पता चलता है कि वो अपने फादर को गलत समझ बैठे थे और वो बस एक बार उनसे मिलना चाहते थे, जहाँ ये उनकी इच्छा एवेंजर एंड गेम में पूरी होती है, जब कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क टाइम ट्रेवल करते हुए टोनी अपने फादर से मिलता है, जिसके बाद फाइनली वो अपने फादर को एक आइडियल, रेस्पेक्टफुल और एक रिस्पॉन्सिबल फादर मानने लगता है, जो कि एक्चुअली में वो डिजर्व करते थे।